हेलो स्टूडेंट, अभी हम देख रहे हैं एसिडिक नेचर के लिए दूसरा पार्ट। तो इसके लिए हम देखेंगे दैट इज ईडब्ल्यूजी एंड ईआरजी के लिए विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप के लिए कि उसमें एसिडिक नेचर हम कैसे दिखाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम ईडब्ल्यूजी। अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो उसकी इफेक्ट क्या होगी एसिड के लिए। तो फर्स्ट इसमें कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मोर एसिडिक। हमने आगे भी बात की थी इसके लिए फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें FCl BRI के अंदर, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम एसिड देखें COOH के लिए, तो हमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, यानी कि F CH2COOH, उसके बाद Cl CH2COOH, देन Br, देन लास्ट में आएगा आयोडीन CH2COOH। तो ये ऑर्डर हमें मिलेगा बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड, ईडब्ल्यूजी कितने हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ ईडब्ल्यूजी की बात करें, जितनी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ एसिड की बढ़ जाएगी, यानी कि मोर नंबर ऑफ ईडब्ल्यूजी तो मोर एसिडिक, यानी कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो अगर तीन क्लोरीन है Cl3C COOH, वो सबसे ज्यादा होगा, सेकंड Cl2CH COOH, और लास्ट में Cl CH2COOH। यानी कि जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे उतने ही वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद डिस्टेंस की बात करें हम, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा, यानी कि लेस डिस्टेंस ऑफ ईडब्ल्यूजी मोर एसिडिक, यानी कि डिस्टेंस कम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए ईडब्ल्यूजी ग्रुप जो है उसके लिए। तो एग्जांपल इसमें देखें अगर, तो इसमें CH3 CH2 CH और COOH, यहां अगर ईडब्ल्यूजी ग्रुप ब्रोमीन है तो वो सबसे ज्यादा होगा। अगर इससे थोड़ा दूर हो जाए, यानी कि CH3 CH CH2 COOH, यहां पे ब्रोमीन, और इससे भी ज्यादा दूर, यानी कि CH2 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 COOH, और यहां पे हो जाए ब्रोमीन। तो इस कंडीशन में देखें हम, तो ये वाला ब्रोमीन जो है वो COOH ग्रुप से बहुत ज्यादा दूर है, ये थोड़ा नजदीक है और ये सबसे ज्यादा नजदीक है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही वो ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हमें मिलेगा ईडब्ल्यूजी के लिए। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर, दैट इज ईआरजी। तो ईआरजी यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अब हम बात करते हैं अगर ईआरजी अटैच हो जाए तो क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। फर्स्ट, स्मॉल साइज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की बात करें अगर वो अटैच हो रहा है, तो जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि मोर एसिडिक। एग्जांपल देखिए, अगर COOH के साथ अटैच हो जाए CH3, अगर अटैच होता है CH3CH2 और
CH3, CH2, CH2, COOH। इन तीनों की अगर बात करें तो CH3 मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल में मिथाइल जो ग्रुप है उसकी साइज सबसे कम होगी, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा होगा और ये वाला सबसे कम हो जाएगा। सेकंड नंबर, इसमें अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा यानी कि मोर डिस्टेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो उतना ही अच्छा एसिड होगा यानी कि मोर एसिडिक। तो इसके लिए देखें तो अगर ऐसे हैं CH2, 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 COOH, सेकंड CH2, CH, CH2, COOH, एंड थर्ड CH2, 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 CH, and COOH। इस तरह से अगर हम देखें तो इन तीनों स्ट्रक्चर के अंदर हम अल्काइल ग्रुप्स की बात करें, अगर एक अल्काइल ग्रुप्स यहाँ CH3, यहाँ भी हम लिख सकते हैं, सेकंड अगर यहाँ पे है ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 है और ये वाले में CH3 यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में ये तीनों स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें COOH के बाजू वाले कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप है यानी डिस्टेंस सबसे कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वाला जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा, यानी कि ये पहले आएगा और ये वाला लास्ट में आएगा। तो ये हमने देखा है एसिडिक नेचर के अंदर EWG और ERG अगर अटैच हो जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे ढूंढते हैं। अभी हम आने वाले वीडियो में SIR इफेक्ट जो है वो COOH ग्रुप के लिए देखेंगे और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एसिडिक नेचर ढूंढेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।